हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के रण में तीसरे मोर्चे ने बड़े दलों की उड़ाई नींद। जयपुर राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सूबे में सियासी पारा लगातार ऊपर की ओर उठता जा रहा है और सियासी दांवपेच का दौर जारी है। इस कड़ी में जहां सत्तारूढ़ भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने में जुटी है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसी बीच खींवसर के निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने आज जयपुर में आयोजित किसान हुंकार रैली में अपना पार्टी का ऐलान किया है। बेनीवाल ने अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम जाहिर करते हुए भाजपा एवं कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। इस अवसर पर भारत वाहिनी के संस्थापक घनश्याम तिवाड़ी और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने सभा में पहुंचकर बेनीवाल का समर्थन किया। अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऐलान करते हुए बेनीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी का निशान बोतल है, जो कि पानी की बोतल है। बेनीवाल ने रैली में आए लोगों एवं अन्य नेताओं को समर्थन देने के लिए सभी का आभार जताया। इस दौरान भारत वाहिनी पार्टी के संस्थापक घनश्याम तिवाड़ी भी बेनीवाल के साथ मंच पर मौजूद रहे। बेनीवाल ने तिवाड़ी को भी उन्हें समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली में आए लोगों को देख बेनीवाल ने कहा कि अब तक हमने रैलियों में ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अब आज जयपुर में जोरदार पिक्चर दिखाई है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी और मैंने विधानसभा में हमेशा किसानों के हित की बात की। किरोड़ी ने शंखनाद किया, लेकिन उनके भाजपा में जाने से अब शंख ही रख गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीएम ने कभी घनश्याम तिवाड़ी के अंडर में काम किया था। कई बार कुछ लोग बिना संघर्ष किए ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में तो संघर्ष लिखा है और हम वही कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि हम किसानों की हक की लड़ाई सड़क से विधानसभा तक लड़ते रहे। नागौर की धरती से भरी हुंकार अब पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। 7 दिसंबर 2016 को नागौर में 5 लाख लोगों ने जो समर्थन दिया, उसने ही मुझे प्रदेश भर में हुंकार भरने की प्रेरणा मिली। दूसरी हुंकार बाड़मेर में भरी, जिसकी गूंज देश भर के साथ ही पाकिस्तान हिल गया था। तीसरी हुंकार सीकर में भरी, जो अभी तक की एक ऐतिहासिक रैली है, और आज जयपुर में उसी हुंकार की सुनामी सुनाई दे रही है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।